नहीं, मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, 15-20 मिनट में आ जाऊंगा। जल्दी आना। अच्छा अम्मी, मैंने फाइनली सारा सामान पैक कर दिया। खुश? अरे भाई, ये तो बताओ कि दुल्हन कब वापस आएगी? आ जाएगी खाला भी। अच्छा, तुम कहाँ थे भाई? नाश्ते पर भी नहीं आए? अरे भाभी, रात को ठीक से सोया नहीं है ना, इसी वजह से। नींद कैसे पूरी होगी बच्चे की जब तक इसका ख्वाब पूरा करने का रास्ता नहीं निकलेगा? कासिम, तुम कुछ खाओगे? मैं लेकर आऊं तुम्हारे लिए। हाँ, नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है भाई? सितारा, जो कासिम को खाना दो, बल्कि तुम सब साथ ही खा लो। रहने दे भाभी, रहने दे, मैं खुद ले आती हूँ। आप क्यों लाएंगी भाई? आखिर को तो सितारा ने ही सारी जिंदगी खाना वाना देना है ना आप लोगों को। हाँ, आप लोग क्यों इस तरह घूर के देख रहे हैं मुझे? भाई, भाई ने हाँ कर दिए सितारा और कासिम के रिश्ते के लिए। हाँ कर दी? या किस चीज के लिए? आपने कल रिश्ता मांगा था ना, तो बस भाई राजी है सितारा और कासिम के निकाह के लिए। निकाह के लिए? हाँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ सुरैया, आज ही निकाह कर दो। कितना मजा आएगा, दो दुल्हनें एक ही गाड़ी में जाएंगी। भाई, मैं ठीक कह रही हूँ ना? कर दे निकाह इन दोनों का आज। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, निकाह कर देते हैं। निकाह कर देते हैं? लो भाई, ये कैसे अकेले अकेले खुद ही फैसला कर लिया निकाह कर लेने का? कैसी बातें कर रही हैं खाला भी, कल रात को आपने खुद ही तो रिश्ता मांगा था। अरे भैया, मैंने रिश्ता मांगा था और तुमने वक्त मांगा था, तो क्या मैंने ये थोड़ी कह दिया था कि सुबह उठते साथ निकाह करना शुरू कर दे? बस जाने दो ना इस बात को। अरे खाला भी, लड़की वाले तो वक्त मांगते हैं ना, तो भाई ने भी रस्मन अब चलो भाई उठो, चलने की करते हैं। हैं? छटांग भर की लड़की ने सामान बांध लिया और तुम यहाँ आराम से सुकून से बैठी भी हो। चलो चलो, कोई बात नहीं, घर के बच्चे हैं, कराची जाकर निकाह कर लेंगे। क्यों सुरैया? ए नजमा, मैंने तो सिर्फ रिश्ता मांगा था और तुमने निकाह वाली बात भी शुरू कर दी, अब तो ये रिश्ते वाली बात भी ना बस भूल ही जाओ। उठो सुरैया। क्यों खाला भी, आप रिश्ता मांगकर ऐसे कैसे मुकर सकती हैं? हम बात को दोहरा नहीं रहे नजमा, पर्दा रख रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम कल रात वाली बात को भूल जाओ। सुरैया, तुम समझाओ इन्हें, आखिर ये तुम्हारे बेटे की खुशी का मामला है। अरे कासिम तो अपनी माँ को दागदार फल भी नहीं लेने देता, और ये उसे दागदार लड़की के साथ शादी पर बनाएगी। वाह, मेरी भतीजी दागदार नहीं है। साहब कब माने हैं कि उसके सफोले में जहर है? तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैं नहीं पता भैया। चलो उठो, चले, बैठी रहती है तुम। चले चले। हा? तुम क्या थके जा रहे हो? चलो चलो। मैं भी आई। तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी को बुलाने के लिए। वो आके आप सबको सच बताएगी कि ताया झूठ नहीं कह रहे, सच कह रहे। खबरदार, जो मेरी बेटी को अपने गुनाहों में खींचा तुमने,
मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी।